press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi दोस्तों, अगर आपको technical analysis नहीं आता है, आप market में नए-नए आए हुए हैं, तो ये जो video है, ये आपके लिए बहुत important है. इसमें जो मैं आपको एक data बताने वाला हूँ, जो nscindia.com का है, ये आपको मतलब आने वाले time में losses नहीं होने देगा. मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लॉसेस बिल्कुल नहीं होने देगा. देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपके लॉसेस को एकदम ख़त्म कर दे. ऐसा कोई चीज़ बना ही नहीं है इस दुनिया में. हाँ, ये है कि ये आपके लॉस को एकदम लिमिट कर देगा, आपको नॉर्मली आपके एनालिसिस को अच्छा कर देगा और आपको बहुत अच्छे से मतलब प्रॉफिट होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे. अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है और आपने इस डेटा को देख लिया और इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया तो आप देखेंगे कि आपका जो एनालिसिस है वो और बेटर हो जाएगा. आपको अपने एनालिसिस पे और ज़्यादा भरोसा हो जाएगा और आप उसको जब भी आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा और आप आराम से काम कर सकेंगे. तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में कि वो चीज़ क्या है. उससे पहले आप एक बात को अच्छे से समझ लें कि देखिए, ये जो वेबसाइट है, ये nscindia.com वेबसाइट है और ये NSC का वेबसाइट है. तो यहाँ पे आप एक बात आप अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो भी डेटा प्रोवाइड किया जाता है वो डेटा एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, तभी उसको यहाँ पे डाला गया है. अगर वो डेटा इम्पॉर्टेंट नहीं होता तो उसको शायद यहाँ पे नहीं डाला गया होता. तो जो भी मैं बताने वाला हूँ, आप समझ सकते हो कि मतलब वो डेटा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होगा ही. ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे भी आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि भैया, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं ये वीडियो बनाने वाला हूँ जो इस बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था. और मैंने पिछले वीडियो में ये भी कहा था कि मैंने आपको दो तीन डेटास दिखाए थे जो मैंने बताया था कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उन डेटा को देखते हुए हम इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जितने लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, एक बार जाके उसको ज़रूर देखें. आई कार्ड में आपको मिल जाएगा, आप जाके वहाँ देख सकते हैं. उसको देख के आप ये वीडियो स्टार्ट करें, या फिर अगर आप इसको देख लेते हो तो जाके वापस वो वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये वीडियो में क्या बोलना चाहता था मैं. इस ये वीडियो ख़त्म होगा तो उसके एंड में भी जो चार वीडियो नॉर्मली मैं पेश करता हूँ आपके लिए, वहाँ पे जो पहला वीडियो होगा वो वही रहेगा. तो एक बार आप वहाँ भी जाके उसको देख सकते हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं. ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी. लास्ट जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले, वो ये है कि एक छोटा सा डिस्क्लेमर मेरा ये है कि भैया देखिए, यहाँ पे मैं जो भी स्टॉक्स के नाम बताऊँगा या जिस भी स्टॉक्स के मैं आपको चार्ट दिखाऊँगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है. यहाँ पे मेरी कोई बाई सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है. मैं आपको ये जो चीज़ बता रहा हूँ ये सिर्फ आपको एजुकेशन के लिए बता रहा हूँ, ताकि आप सीख सकें, अपने आप को इम्प्रूव कर सकें. अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आता है, बाई करना है, तो अपना खुद का एनालिसिस करें और तभी उसको बाई करें. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. तो चलिए देखिए, अभी मान लीजिए मैंने कोई स्टॉक चूज़ किया है और मैं उसको बाई करने का सोच रहा हूँ. लेट सपोज़ मुझे कहीं से खबर आई, लेट सपोज़ मैंने अपना कुछ सोचा था कि जैसे मुझे एक खबर आई JK टायर्स के बारे में कि यार JK टायर्स ख़रीद लेते हैं. तो चलो, मैंने JK टायर्स को ख़रीदने का सोचा. तो देखो, मैं आ गया इसके, मैंने JK टायर्स टाइप किया और मैं इस पेज पे आ गया. तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे बताया था, आप सीधा फटाफट क्या कीजिए, कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाइए. कंपनी इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आप देखिए यहाँ पे कहीं कोई रेजिग्नेशन तो नहीं है. अच्छा, ये चीज़, ये जो वीडियो आप देख रहे हो ना, इसको जरा फुल स्क्रीन पे देखिएगा. अगर आप फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको ये चीज़ अच्छे से दिखाई पड़ेगी. अगर आपने फुल स्क्रीन नहीं किया है तो एक बार उसको चालू कर लें, और उसके बाद आप फटाफट नीचे स्क्रॉल करें और जो प्रमोटर प्लस डिटेल्स हैं वहाँ पे जाके चेक करें. देखिए यहाँ पे आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, 56.23% होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास. उसमें से 28.89 यानी कि 29% जो उनका जो शेयर्स है वो प्लेज किया हुआ है. तो ऐसी कंपनी को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ. तो फटाफट इसको आप डिस्कार्ड कर दें. बट ठीक है, हमको इस पे काम ही नहीं करना है यार. ऐसा क्यों काम करना है जहाँ पे लोग प्लेज किए हुए हैं? इसके बारे में बेटर जानने के लिए पिछला वीडियो आप उसको देख सकते हैं, आपको वहाँ से समझ में आ जाएगा. तो मैंने ये हटा दिया. चलिए अब एक और दूसरा एक स्टॉक देखते हैं. लेट सपोज मैं मेघमानी देखता हूँ. लेट सपोज मैं मेघमानी एक स्टॉक है, उसको देखने की कोशिश करता हूँ. शायद आप मुझे, मान लो मैंने कुछ अपना सोचा था और मैं मेघमानी कल ख़रीदने की सोच रहा हूँ. मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ ताकि आप समझ सको. ठीक है, तो मैं यहाँ गया और मैंने फटाफट क्या किया कि मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन मैंने देखी, मुझे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आया.
बिग मनी के अंदर, और उसके बाद मैंने प्रमोटर प्लेस डिटेल्स देखे, यहाँ भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलो मतलब मेरा जो बाई करने का जो मैं सोच रहा था, मुझे यहाँ तक तो सब कुछ सही लगा। अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, सीधा ट्रेड स्नैपशॉट पे आऊँगा एंड आई विल गो विथ डिलीवरी परसेंटेज। तो आप देखिए मुझे यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज दिख रही है, मुझे डिलीवरी परसेंटेज जो दिख रही है वो दिख रही है 34.54 की, ठीक है। और मैंने आप लोग से बताया था कि एनी परसेंटेज, एनी डिलीवरी परसेंटेज विच इज़ अबव 30, 30 के ऊपर की जो भी परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छी होती है डिलीवरी की, तो आप उस पर ज़रूर नज़र रख सकते हैं। 30 के ऊपर जितना रहेगा, 30 के ऊपर जितना, 40, 50, 60, 70 जितना भी रहेगा उतना अच्छा है, आप उस पर नज़र ज़रूर रखिए, ठीक है। अब ये जो डिलीवरी है, ये बाई वाली डिलीवरी है या भैया ये सेल किया हुआ डिलीवरी बेस्ड है, ये कैसे पता करें, ये चेक करना पड़ेगा। अब मेरे पास सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया वो ये आया, मैंने अपना एनालिसिस किया है, मान लीजिए अगर मुझे टेक्निकल एनालिसिस आता है तो मैंने अपना एनालिसिस किया, उसके बाद मैं ये सब काम कर रहा हूँ, मैं से वैसे ही नहीं कर रहा हूँ। या जिसको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है, उसको लगा कि भाई चलो मैं आज किसने बोल दिया तो मैंने मेक मनी खरीदने का सोच लिया है, तो वो आके पहले ये चीज़ देखेगा, आपको भी ये चीज़ दिखाई पड़ रही है, अच्छा यार ये सब सही है, अब क्या करना है। तो अब यहाँ से आप क्या करें, आपको डिलीवरी बेस दिखाई पड़ रहा है, अब ये डिलीवरी बाई है या सेल है, इसको देखने के लिए आपको चार्ट्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो आइए मैं आपको फटाफट चार्ट दिखाता हूँ और वहाँ से फिर कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलिए देखिए, हम लोग मेघमानी के चार्ट पे आ चुके हैं और ये देखिए आपको चार्ट्स पे क्या दिखाई पड़ रहा है। अगर आप देख सकते हैं, देखो मैंने एकदम बेसिक चार्ट लगाया है, इकोनॉमिक्स टाइम्स पे मैंने बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स नहीं लगाए हैं, सिंपल सिंपल एनालिसिस ताकि एक साधारण आदमी भी समझ सके। एक स्पिनिंग टॉप फॉर्म हुआ है डाउन साइड में, लेकिन अगर आप उसका वॉल्यूम जो देखेंगे वो रेड कलर में दिखाई पड़ रहा है, यानी कि जो डिलीवरी परसेंटेज आप देख रहे थे वो बिकवाली वाली डिलीवरी है, मतलब 34% लोग जो डिलीवरी हुई है वो सेलिंग साइड में है, वो मतलब बाई साइड वाली नहीं है। तो मतलब अभी भी यहाँ पे कोई ज़्यादा आपको वो नहीं दिख रहा है। अगेन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से देखेंगे तो आपको RSI 42 के करीब करीब है, एक आपको स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है, तो ये थोड़ा सा आपको मतलब एक हेजिटेशन वाला चीज़ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से बाई नहीं हो सकता है, थोड़ा सा हेजिटेशन वाला चीज़ है। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो अब कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ तक तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बताया था, तो नया क्या बता रहे हो सर, मतलब क्या नया चीज़ है। तो अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको सुनिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको इससे पहले ये चीज़ पता थी क्या, अगर पता थी तो मुझे बताइएगा, नहीं पता थी तो भी मुझे जरूर लिख के बताइएगा, मुझे आप लोग के कमेंट्स का बहुत इंतजार रहेगा, ठीक है। चलिए अब वापस पहुंचते हैं NSE के स्टॉक के ऊपर, और देखिए मैं अभी यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यहाँ पे आप देखिए इसके नीचे वैल्यू एट रिस्क VAR लिखा हुआ है इन परसेंटेज, तो आइए इस पे क्लिक करते हैं। ये देखिए जब मैंने क्लिक किया ना, यहाँ लिखा है सिक्योरिटी VAR 10.70, 10.70, ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं ना, ये अब मैटर करता है जब मैं स्टॉक बाई करने जाऊंगा तो ये कितना होना चाहिए अगर आप बाई करना चाहते हैं। मैं आपको उसका लेवल बताता हूँ, अगर आप बाई करना चाहते हो ना, तो मैंने जो देखा है, जो मैंने समझा है आज तक, अगर आप इसको 7 के नीचे, 7 के नीचे कितना भी, 6.99 तक भी पकड़ लीजिए आप, ठीक है, 7 के नीचे जितना आपको मिल रहा है उतना आपके लिए अच्छा है, मतलब आपके लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए आपने 10 स्टॉक बाई किए हैं, कौन से बाई किए हैं, आपने पहले अपना एनालिसिस किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब आप ऐसे हवा में उड़ के आ रहे हो और काम कर रहे हो, ठीक है, आपने कोई अपना पैटर्न देखा हुआ है, कोई इंडिकेटर लगा के आप बाई कर रहे हो, जो भी आप कर रहे हो आपने उस पे बाई करने की सोच रहे हो, आपने वो सारा चीज़ देख लिया, हाँ भाई यहाँ बाई करना चाहिए, फिर आप क्या किए, आपको जैसा मैंने अभी बताया NSEIndia.com पे आए, आपने उसके सारे चीज़ें देखे कि मतलब कोई रेजिग्नेशन तो नहीं है, कोई प्लज तो नहीं है, उसके बाद आपने डिलीवरी देख लिया, डिलीवरी बाई साइड में है सेल साइड में, वो सारा चीज़ देख लिया, सब सही लग रहा है। जब सब सही है तो आप एक बार आके इसको चेक करें, सिक्योरिटी VAR को, अगर ये 7 के नीचे है तो ही आप बाई करने का सोचें, नहीं तो मत करें। अच्छा, ये चीज़ कब काम करती है, पहले आप ये चीज़ भी देखिए, ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैल्यू एट रिस्क वाला, ये सबसे ज़्यादा कब काम करती है, कौन से मार्केट में काम करती है, ये उस मार्केट में काम करती है जब मार्केट गिर रहा हो।
जब मार्केट गिर रहा होता है तो क्या होता है, आप किसी भी पैटर्न पे काम करने का सोचें, किसी भी इंडिकेटर पे काम करने का सोचें, आपका वो मतलब नहीं चलेगा, आपको मतलब वहाँ पे कंफर्मेशन, बाइंग कंफर्मेशन नहीं आएगा, आपका आपका ट्रेड गलत बैठ जाएगा। तो अगर आप ये देख के करोगे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो अगर आपका गलती से गलत भी बैठे, पहले तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, आप बच जाओगे। जैसे मैंने अभी इसमें दिखाया, आप पहले आप देखिए डिलीवरी पर्सन से आप बच गए, ठीक है, डिलीवरी सेल वाला डिलीवरी आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा आप देख सकते हैं 10.70, तो यहाँ भी आप बच गए, भाई ठीक है, मुझे यहाँ भी मुझे ट्रेड नहीं लेना है, आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब एक और स्टॉक ले लेते हैं। लेट से मैं फटाफट एक और स्टॉक लेता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से जितने चार्ट देखेंगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पे कौन सा ले लूँ, कैनरा बैंक को लेते हैं। लेट से कैनरा बैंक के चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए कैनरा बैंक का चार्ट है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक हैमर टाइप का फॉर्मेशन दिख रहा है, RSI भी 38 करीब करीब है, वॉल्यूम ठीक ठाक नज़र आ रहा है। फटाफट जरा कैनरा बैंक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, अगर हम लोग कैनरा बैंक को ऐड करना चाहते हैं तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। ये देखिए मैं आपको कैनरा बैंक दिखा रहा हूँ, इसके बाद एक और चार्ट दिखाऊंगा, आप वो भी देखिएगा। और सबसे पहले अब वो सारी चीज़ें हैं, कंपनी इन्फॉर्मेशन देख लें, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, प्रोमोटर प्लेज डिटेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा अब तक सब ठीक चल रहा है। आइए ट्रेड स्नैपशॉट देखते हैं, उसमें जाते हैं, सिक्योर डिलीवरी देखते हैं। डिलीवरी आप देखिए यार, अब देखिए मैं अब इसको खरीदने की सोचने वाला था, लेकिन आप देखिए डिलीवरी क्या है, 6.18 की, मतलब मार्केट में किसी को इंटरेस्ट नहीं है, छोड़ दो, मतलब कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इट मेक्स नो सेंस, तो मुझे आगे वैल्यू एट रिस्क देखने का मतलब ही नहीं है। लेकिन जो एक बार चेक कर लेते हैं, आप देखिए वैल्यू एट रिस्क क्या दिखा रहा है, 10.89%, नॉट इंटरेस्टेड, हट गए हम, ठीक है, मैंने अपना कोई एनालिसिस किया था, हट गए हम। मैंने पिछली बार आपको एक और स्टॉक का नाम बताया था, हमने देखा था एवरेडी, अगर आपको याद आ रहा हो एवरेडी, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। लेट सपोज हमने कोई भी अपना उस पर एनालिसिस किया हुआ है, उसके चार्ट्स को हमने देखा, जो भी है, कंपनी इन्फॉर्मेशन में गए, आपने देखा था रेजिग्नेशन, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था इसमें रेजिग्नेशन है, ऐसे कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है, आप वहीं बच गए। प्रोमोटर प्लेज शेयर देखिए 50% तो प्लेज है, ख़त्म हो गया। अब जरा हम लोग एक बार इसका ट्रेड स्नैपशॉट देख लेते हैं फटाफट, डिलीवरी परसेंटेज देख रही है, 46.74% का डिलीवरी परसेंटेज है, ठीक है, 46.74। आइए जरा एक बार चार्ट पे देखते हैं एवरेडी को, ये देखिए एवरेडी आपके स्क्रीन पे आ चुका है, और ये भी आपको सेल में दिखाई पड़ रहा है, ये जो आप बेशक कैंडल ग्रीन दिखाई पड़ रही है आपको, लेकिन यहाँ पे सेल वाला परसेंटेज ज़्यादा है। RSI 3.82 का है, तो मतलब एक बाई आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आप उसके बाद आप क्या करें, मतलब आपको पहले तो सारी चीज़ें गलत दिखाई पड़ गई, तो ऐसे स्टॉक को ले ही ना, और एक बार वापस आप वैल्यू एट रिस्क देख लें, वैल्यू एट रिस्क क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, अगर आप देख सकते हैं 22.51 ना, मतलब अवॉइड करें, कोई यार इतने पैसे तो है नहीं कि मतलब आप ये सारी चीज़ें करें। ये आपको कहाँ देखना है, जब फॉलिंग मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट गिर रहा है, क्रैश हो रहा है मार्केट में, करेक्शन चल रहा है, उस समय आपको ये चीज़ बहुत काम करेगा, ठीक है। अब नॉर्मली अब सारे तो ऐसे ही देख लिए, अच्छा चलो मैं एक आपको कुछ और दिखाता हूँ, ये एक लास्ट आप देख लीजिए और आप समझेंगे। लेट सपोज मैं यहाँ पे HDFC बैंक डालता हूँ, लेट से हम HDFC बैंक को हम देखते हैं, तो HDFC बैंक में आप देखिए एक छोटा सा स्पिनिंग टॉप फॉर्म हो रहा है, और यहाँ वॉल्यूम प्लस का है, तो अब जरा एक बार HDFC बैंक को देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने HDFC बैंक यहाँ पे टाइप किया, HDFC बैंक का पेज मेरे सामने ओपन हो रहा है, और ये देखें फटाफट पहले मैं कंपनी इन्फॉर्मेशन देखूंगा, उसके बिना मैं कोई काम नहीं करता, कोई मुझे रेजिग्नेशन दिखाई नहीं पड़ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है, कोई प्लेज किया हुआ है क्या भाई HDFC बैंक ने, कुछ प्लेज नहीं किया है, बहुत अच्छा है, तो मतलब हमारे पास तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई हमको। अब जरा ट्रेड स्नैपशॉट देख लेते हैं, इसका सिक्योरिटी वाइज देख लेते हैं, डिलीवरी कितना है, ओहो डिलीवरी परसेंटेज आप देखिए सर 60.95, मतलब पब्लिक मस्त डिलीवरी उठा रही है। अब ये डिलीवरी जैसा क्या है, ये बाई साइड वाला है सेल साइड वाला है, आइए देखते हैं।
यार ये डिलीवरी तो बाई साइड वाला डिलीवरी है, मतलब लोगों ने इसको बाई करने के लिए ये डिलीवरी ली है, बहुत अच्छे है, मतलब मेरे को एक और कंफर्मेशन मिल गया। अब अगर मुझे कल इसको बाई करना है तो मैं इसके बाद क्या देखूंगा, वैल्यू एट रिस्क को देखूंगा। क्या दिख रहा है आपको, 3.35, मतलब अगर आप फेल भी हो जाओगे, आपका कैलकुलेशन फेल भी हो जाता है तो भी आपको लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। और मैंने ये देखा है कि मान लीजिए अगर आप कोई भी स्टॉक जो 7 के नीचे है, 7 के नीचे होना चाहिए, 7 दिखाई नहीं पड़ना चाहिए आपको, उसके नीचे है, तो अगर आप 10 स्टॉक्स ऐसे उठाओगे बाई करने के लिए, आपने पूरे एनालिसिस करने के बाद, आपने जो भी एनालिसिस किया हुआ है वो सारे एनालिसिस करने के बाद, नॉर्मली कैसा है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप अपना नॉर्मल एनालिसिस करते हो और उसके बाद अगले दिन जाके स्टॉक खरीद लेते हो। अगर आपको अभी पता चल गया ये, तो आप अपने आप पर पूरा एनालिसिस किया हुआ है, उसके बाद ये चीज़ें आके देखिए जो मैंने आपको बताया, सब कुछ मैच कर रहा है, तब आप बाई करें। तो अगर आप ऐसे करोगे तो 10 में से 8 टाइम्स आप कुछ दिनों, ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेते ही आपके प्राइस सीधा ऊपर जाना स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन अगर स्टॉक गिरता भी है, लेकिन आप अगर उसको थोड़े से मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो ये आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देगा। 10 में से 8 टाइम्स आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। और अगर गिरा भी नीचे तो ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी, बहुत हल्की सी गिरावट आएगी, थोड़ी सी गिरावट आएगी अगर गिरा भी तो। ठीक है, तो ये चीज़ थी जो मुझे आपको आज बतानी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी, इसको यूज़ करें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। कैसा लगा आपको ये वैल्यू एट रिस्क, मुझे ज़रूर लिख के बताएं कमेंट बॉक्स में, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। ऐसे ही और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँगा, जो मुझे लगेगा कि मुझे आप